ब्यूटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट इज एम एम ब्लॉग। सो आज का नया ब्लॉग आ चुका है और आज है 22 मई और टाइम हो रहा है 5:30। और अभी हम लोग मूवी देख रहे थे, पापा भी अभी काम से आए हैं, तो मतलब काम से गए थे तो वापस आ गए हैं। अब हम बना रहे हैं मैगी, जो सब्जी वाली, ये रही मैगी। और अभी प्याज निकाल लिया, अभी टमाटर और मटर, और मटर हमने यहाँ पे भिगो दी, मतलब थोड़ी नॉर्मल हो जाए, फ्रीजर में रखी हुई थी। और इसलिए मैं आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ, और प्लीज़ पीछे की आवाज़ जो आ रही है उसके लिए सॉरी यार, क्योंकि हर घर की बात होती है, एक घर में आवाज़ तो होती है ना। तो आप भी मेरे को नीचे कमेंट में बताओ, मैं आपको दिखाती हूँ कि आज का मौसम कैसा हो रहा है। मतलब धूप तो नहीं है, मतलब चली गई धूप, क्योंकि 5:30 बज रहे हैं। और बस आज का मौसम भी ठीक था, और कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी और अभी धूप निकलती थी, अभी गई है धूप। बस यही है आजकल मौसम, गर्मी और फिर ठंड, मतलब बारिश निकलेगी, बारिश बहुत तेज बारिश होगी, फिर निकल जाएगी धूप, इतना गुस्सा आता है। फिर यार एक बार बारिश करे तो धूप मत निकालो 2-3 दिन, पर हम तो आएंगे। तो अभी बस मम्मी प्याज काट रही हैं नॉर्मल पीसेस में, और बस फिर बनाएंगे मैगी अपनी। अगर आप मेरे को ये बताना कि आपको कौन सी मैगी पसंद है, बिना सब्जी वाली या सब्जी वाली या फिर चीज़ वाली। अगर आपको चीज़ वाली मैगी नहीं आती बनानी और आपको वो चीज़ वाली मैगी सीखनी है कैसे बनाते हैं, तो मुझे बताना, मेरे को आती है, मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अभी हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है और उसके बाद सब्जियाँ बुनेंगे। मम्मी बोल रहे हैं तू बना, क्योंकि मैगी घर में मैं ही अच्छी बनाती हूँ। प्याज कट चुकी है और ये देसी घी डालते हैं, गर्म हो रहा है, अभी अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर मैं भून लूँगी सारी सब्जियों को। सबसे अच्छी मैगी घर में मैं रहती हूँ, इसलिए सब मेरे को बोलते हैं कि तू मैगी बना, और बासमती तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनाता, इसलिए बोलता है भाई तू रहने दे, हम बना लेंगे अपने आप। प्याज डालती हूँ, मेरे साथ कड़वाला होने वाला था, मम्मी ने एकदम से डालती हूँ, मैं यहीं पर खड़ी थी और घी इतना गर्म हो रहा था, अभी मेरे ऊपर छींटे आती। पोस्टर्स बनाया है, टाइप ऑफ पोस्टर 3, और एक मम्मी का, एक पापा का, और एक हम चारों का, अब चार समझ जाओ कौन है। तो ये तीनों मैंने बनाए हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना, और अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मैं वो भी लेकर आऊँगी, तो वो भी मेरे को ज़रूर बताना। कॉफी दूध डालती है, अब 1-2 गिलास अब डालेंगे कॉफी में। कौन सी वाली डालूं, ये वाली डालूं या फिर ये वाली नेस्कैफे? तो हम डालेंगे ये वाली, मोदी वाली। तरबूज काटती है, अब मैं भोग लगाने जा रही हूँ भगवान जी को। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी, अभी गर्मियां चल रही है इसलिए अभी चंदन लगाते हैं भगवान जी को, तो चंदन लगा रखा है। और ये हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर, अभी मैंने भोग लगा दिया, अब तुलसा जी लगानी है, ये रही तुलसा जी, पूरी नहीं थोड़ी सी तैयार, एक हाथ में कैमरा एक हाथ में, हाँ हो गया, नाखून बड़े होने का फ़ायदा, देखो कितने बड़े बड़े नाखून है। तो लगाते थे हम भोग और मंत्र बोलेंगे, उसके बाद हम निकाल लेंगे। अभी बेल पत्थर का शरबत, बेल पत्र होता है, पत्र होता है। तो यहाँ पर भी मैं वापस से भोग लगाने जा रही हूँ इस शरबत का, चलते हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे रख दिया है और वापस से डालेंगे तुलसा जी, एक मिनट तुलसा जी डालने के बाद मिलती हूँ। लग चुका है डन, पूरा अच्छे से कवर डन, अब भगवान जी खा लेंगे उसके बाद हम खाएंगे। और आज मैंने पहनी है एक ऑरेंज कलर की टी शर्ट, जिसपे बने हुए हैं कृष्ण भगवान और वो गाय माता के साथ बैठे हुए हैं, और नीचे वही अपना ब्लैक वाले शॉर्ट्स, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है वो, क्योंकि ब्लैक है मेरा फेवरेट कलर, सो दैट्स व्हाई आई लाइक इट। बात बतानी है कि जैसे वास्तविक बोलता है कि तू पूरे दिन व्लॉगिंग किया कर, मतलब जो भी कर रही है सब दिखाया कर। मम्मी कॉफ़ी डाल दी है, देखो कैसे झाग झाग वाली कॉफ़ी बनी है, और जो 5 मिनट क्राफ्ट आदि दिखाते हैं ना कि वो
साबुन डाल के बना रहे हैं। देखना हमारी झाग वाली कॉफी बन रही है। और यहाँ पे मैगी को हमने वो कर दिया, ढक दिया है। और ये रही हमारी कॉफी, चलते हैं अंदर। तो ये हमारी ट्रे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, और ये होममेड ट्रे है, देखो ये हमारी मम्मी जी ने, मतलब मम्मी श्री माता जी ने। तो अब इसमें डालेंगे हम कॉफी, ओके लेके चलेंगे अंदर, लेट्स गो। यहाँ पर डुक्कू लेटा हुआ है। अभी जब मैं फोन लेकर आई तब ये उठ गया, और पहले ये सपना देख रहा था और आराम आराम से भौंक रहा था। मतलब ये डॉग्स भी सपने देखते हैं यार, इनकी भी फीलिंग्स होती है। और यहाँ पे पापा बैठे हैं, मम्मी और दादी। और क्या आपको दिखाया था कि कॉफ़ी बनी है और एक केक। पापा बताएंगे कैसी बनी है कॉफ़ी आपको। बढ़िया है। तैयार हो चुकी है, देखो भाई साहब खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये किनारे वाली प्लेट ले लिया, इसमें डालेंगे तो मतलब गिरेगी नहीं है ना। बस डा टाइम पास करेगा भी ये। हाय, मेरी मम्मी बना रही है आज कढ़ी और चावल। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनी है कढ़ी। मतलब मम्मी ने बनाती है समझिए। अभी पकौड़ियाँ जो हैं वो मम्मी अभी तल रही हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। पकौड़ियाँ तल रही हैं मम्मी, और ये रही कढ़ी जो मम्मी चला रही हैं। हम तलता था मम्मी धनिया को है। अच्छा, मम्मी धनिया साफ कर रही हैं। यहाँ पे कढ़ियाँ पकौड़ी डालती हूँ मैंने, मतलब ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि हमें पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी ने आज डालती। और कुकर में चावल हो रहे हैं। तो आपको कढ़ी चावल कितने पसंद है मुझे बताना। मेरे को फर्स्ट नंबर पे हैं कढ़ी चावल, फिर सेकंड पे राजमा चावल, लेकिन होम मेड या फिर जैन चावल वाली है। तो आप बताना आपकी कढ़ी चावल किस नंबर पे है। भूख का निकालने लाए थे, जैसे कि हम तो दिखाए थे कि आज कढ़ी चावल और साथ में पूरी भी बनी है। तो भूख का निकालते हैं और फिर हम अपना खाना खाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने भोग लगाया था। हम लोग खेल रहे हैं कोर्ट पीस और ट्रम्प है चिड़ी के, देखते हैं हमारे पास अच्छे पत्ते आए हैं या नहीं। नहीं, अच्छे नहीं आए। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आ गए। अरे है, एक ही पत्ते भरे पड़े हैं। ये बीच का पत्ता पापा ने डाल दिया है, ये अपने पत्ते लगा रहा है। मम्मी कह रहे मैं भी लगाऊंगी। और वहाँ पे पापा डुगू के साथ खेल रहे हैं। खेल रहा था डुगू, ऊपर बेड पे चढ़ गया एकदम से। इधर बालों पे मत जाना, थोड़े अजीब से हो रहे हैं मेरे बाल। और मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।